हेलो गाइस, नमस्कार। कर्तव्य IAS में आप सभी का विशेष स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं मयंक सर के कुशल निर्देशन में। साथ ही साथ आज इस क्रम में हम लोग के ज्योग्राफी की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं और आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो COVID-19 या कोरोना के दौर में अब हम लोगों को पढ़ने का तरीका बदलना होगा, तकनीकी और समय के साथ चलना होगा। तो इस दौर में, इस समय के साथ, इन परिस्थितियों के साथ अब हमको कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना होगा, क्योंकि परीक्षा तो देनी ही है। बेरोजगारी का दंश कब तक झेलेंगे? एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम में तो बैठना ही है ना, तो उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए इस क्रम में हम लोग जो है डिस्कस करना शुरू करेंगे आज। तो ज्योग्राफी, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इस विषय का कितना बड़ा महत्व है, कितना विशेष रोल है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जब हम लोग सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भौगोलिक जानकारी है वह हमारे अन्य विषयों में मदद करता है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे करंट अफेयर्स हो। करंट अफेयर्स में तो इसका बहुत ही रोल है, क्योंकि जितना अधिक आपको भौगोलिक जानकारी होगी उतना ही आप करंट अफेयर्स को गेन कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारा जो संसाधन है ज्योग्राफी जैसा विषय कहीं ना कहीं सिविल सेवा में इसीलिए इसका विशेष रोल है, तभी तो हम लोगों से एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में जितने भी विषय रखे गए हैं वो अनावश्यक नहीं होते, उसका कहीं ना कहीं उस प्रशासन में रोल है जहाँ हम जाने को आतुर हैं, जहाँ हम लोग जाना चाहते हैं, जो हमारी मंजिल है। चलिए, तो उस क्रम में आज हम लोग ज्योग्राफी का एक थोड़ा बेसिक कंसेप्चुअल टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग ज्वालामुखी पर डिस्कस करेंगे। तो जो कुछ प्राकृतिक आपदाओं में या प्राकृतिक घटनाओं में बड़ी घटनाएं, या हम लोग के भौतिक भूगोल का जो सामान्य परिचय में एक छोटा सा टॉपिक ज्वालामुखी, उसके साथ भूकंप और सुनामी, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जो करंट में भी हमेशा छाए रहते हैं और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है कि कैसे इस सवाल को हम लोग करें। तो आप जानते हैं कि जो भी UPSC का टारगेट है, कहीं ना कहीं हमारी समझ को अधिक कितना डेवलप कर लें, हम लोग कितना अधिक से अधिक उसको जो है इम्प्रूव कर लें कि हम अपने प्रश्नों को बेहतर कर पाएँ। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं बेसिक जो कॉन्सेप्ट है NCERT पैटर्न पर आधारित, उसको हमको फॉलो करते हुए सही दिशा में काम करना होगा। तो आइए हम लोग ज्वालामुखी पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ज्वालामुखी को क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ज्वालामुखी है क्या, क्या है इसे, किसे कहते हैं। फिर देखेंगे कि ज्वालामुखी क्यों, क्या कारण है, किन कारणों से ज्वालामुखी आता है, उसके इसके रीज़न को समझेंगे। फिर देखेंगे ज्वालामुखी होते कितने प्रकार का है, टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी वोल्केनो। फिर उसके बाद जो ज्वालामुखी का स्वरूप है, उसका रूप जो है, विभिन्न रूपों में जो ज्वालामुखी बाहर हम लोगों को दिखाई देता है, वो उसका आकार प्रकार, उसको हम समझेंगे। फिर इसकी जो थोड़ा भी विशेषताएं हैं, मेंस के बेसिस से, उसको भी जानने का काम करेंगे। फिर इसका प्रभाव हम लोगों के जीवन पर क्या पड़ेगा, इसको भी देखने का काम करेंगे। तो इस क्रम में हम लोग इसका डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ज्वालामुखी है क्या। तो देखिए, ज्वालामुखी है क्या, अगर हम लोग बात करें सामान्य शब्दों में, तो इस शब्द से ही लग रहा है ज्वाला अर्थात आग, और मुख्य अर्थात मुख, तो ऐसा मुख, ऐसा स्थान जहाँ से क्या निकल रहा है, आग निकल रहा है। और यह आग मूलतः हम लोगों को लावा के रूप में प्रकट होता दिखाई देता है। किस रूप में दिखाई देता है? लावा के रूप में दिखाई देता है। तो यह एक नेचुरल घटना है, यह एक प्राकृतिक घटना है। ज्वालामुखी एक अभिक्रिया है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकली हुई ऊर्जा हम लोगों को आग के रूप में किसी विशेष स्थान पर दिखाई देती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी के रूप में हम लोग जानते हैं इसे।
तो ज्वालामुखी के एक सामान्य परिचय, केवल कि ज्वालामुखी है क्या इस रूप में, इसका सबसे विशेष महत्व हम लोग के एग्जाम के बेसिस से ज्वालामुखी आता क्यों है, ये बहुत ही जरूरी है। तो ज्वालामुखी जो घटनाएं हैं इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना में चलें, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलें। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, यह आंतरिक भाग तीन परतों में मौजूद है, तीन परतों में मौजूद है। हम लोग जानते हैं ऊपरी परत जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब देखिए जो क्रस्ट है और मेंटल है, पृथ्वी अपने स्थान पर लगातार घूर्णन भी करती है, ये भी हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, यही कारण है कि दिन रात होता है। तो इस घूर्णन की अवस्था में जो ऊपरी भाग भूपर्पटी और प्रवाह, इन दोनों का घूर्णन भी अलग अलग, साथ ही क्रस्ट और मेंटल के मध्य में जो दुर्बल मंडल है, जिसे हम लोग दुर्बल मंडल बोलते हैं, यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थों का पाया जाना। कौन से पदार्थ? रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव पदार्थों का पाया जाना विशेष महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि इन रेडियोधर्मी पदार्थों के पाए जाने के कारण, ये आप जानते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ जहाँ भी रहते हैं ये हमेशा सक्रिय रहते हैं, इनमें अवक्रिया चलती रहती है। इसकी सक्रियता के कारण यहाँ पर ऊष्मा क्रिएट होती है और ऊष्मा से तापमान में लगातार वृद्धि होती है। यही कारण है कि भूपर्पटी के निचले लेयर में, निचले परत में आपको एक द्रवीय माध्यम मिलता है, लिक्विड भाग मिलता है, द्रव के रूप में, तरल के रूप में, या पदार्थ आपको पूरा जो भी भाग हिस्सा है यह तरल रूप में ही आपको दिखाई देता है। तो ये कहने का तात्पर्य था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो स्थिति है वह कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार। अब देखिए ये जो तरल भाग है, इस तरल भाग में घूर्णन की वजह से यहाँ पर चलती हैं संवहनी धाराएं। क्या चलती हैं? संवहनी धाराएं। इन संवहनी धाराओं के चलने के कारण, लगातार इनके टकराव के कारण तथा पृथ्वी के ऊपरी परत भूपर्पटी में बड़ी बड़ी चट्टानों का, या फिर कहें बड़ी बड़ी प्लेटों का पाया जाना भी इसका रीजन है। वैज्ञानिकों का, जैसे प्लेट टेक्टोनिक में जब चलते हैं विग्नर नॉक्स या फिर अन्य वैज्ञानिकों की थ्योरी देख रहे हैं, तो वहाँ पर यह पता चलता है, या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार यह है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में आठ बड़ी बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं और ये प्लेटें मूलतः दो तरीके से इनके जोड़ जुड़े हुए हैं, या दो स्थितियों में ये मौजूद हैं। एक जिन्हें हम लोग कहते हैं अभिसारित प्लेट। क्या कहते हैं इनको हम लोग? अभिसारित प्लेट। तो जो अभिसारित प्लेटें हैं ये एक दूसरे के निकट आती हैं, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं तो ये एक दूसरे के पास आती हैं, आपस में टकराव होता है। साथ ही साथ जो दूसरी प्रकार के जो प्लेटें होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं अपसारित प्लेट। क्या बोलते हैं? अपसारित प्लेट। तो जो अपसारित प्लेटें हैं ये एक दूसरे से दूर जाती हैं। कैसे होती हैं? एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब ये एक दूसरे से ये दूर जाती हैं तो बीच में स्पेस बनता चला जाता है, जबकि इस स्थिति में जो प्लेट भारी होती है या प्लेट धस जाती है, क्या होती है? धसा होता है, ये धसती है, नीचे जाती है, जबकि जो प्लेट हल्की होती है यह ऊपर उठती है। लेकिन दोनों के आपसी टकराव से प्लेटें मुड़ जाती हैं, यानी प्लेट मुड़ती है, और इस मुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वलन।
क्या बोलते हैं, वलन, और इस प्रकार से उठी हुई आकृति से निर्मित पर्वत को हम लोग बोलते हैं वलित पर्वत। क्या बोलते हैं, वलित पर्वत। लेकिन जो भाग इन प्लेटों का किनारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में चला जाता है, और आप जानने कि इसके जस्ट नीचे आपका द्रवी माध्यम मौजूद है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में ये प्लेटें भी पिघल जाती हैं, और इनके पिघलने से निर्मित होता है मैग्मा। क्या बनता है, मैग्मा, और मैग्मा के बनने से ऊष्मा और तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। जब ऊष्मा और तापमान बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर या उस स्थान पर उस स्थिति में दाब अपने आप बढ़ने लगेगा। तो ऊष्मा भी एक ऊर्जा है, तापमान भी ऊर्जा, और दाब भी ऊर्जा ही है। अब सोचिए कि आप पृथ्वी के अगर इंटरनल पार्ट में, आंतरिक भाग में इस तरह की स्थिति अगर बनती है और वहाँ पर दबाव की स्थिति बनती है, तो स्वाभाविक है यह प्रक्रिया ठीक उसी तरीके से हो रही है जैसे प्रेशर कुकर के अंदर होती है। तो प्रेशर कुकर को हम लोग अगर समझें, उसको हम लोग जब गैस पर रखते हैं, चूल्हे पर रखते हैं, तो हीट होता है, चाहे कितना भी धीमा आँच ही क्यों ना हो, बस अंतर ये रहेगा, धीमा आँच रहेगा थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, तेज़ आँच रहेगा कम समय में हो जाएगा गर्म। तो धीरे धीरे जब हीट होता है, उसमें क्रिएट होती है, तापमान बढ़ता है, फिर उसमें वाष्प का निर्माण होता है, और वाष्प से दबाव बनता है, और आप देखिए एक बार सीटी मारना शुरू कर देता है। लेकिन मान लीजिए अगर उसमें सीटी ना लगी है तो क्या स्थिति होगी, तो आप दूसरी स्थिति में आप देखते हैं आपातकालीन सेवा के लिए उसमें सेफ्टी वाल्व भी लगा होता है, इसीलिए कि जब हाई प्रेशर क्रिएट हो जाए और सीटी ना मार सके तो वो सेफ्टी वाल्व क्या हो, लीक कर जाए, जिससे वो हाई प्रेशर एनर्जी बाहर आ जाए, नहीं तो प्रेशर कुकर एक छोटे से बम के रूप में रसोई में फट जाएगा और एक दुर्घटना घटित हो सकती है। तो ठीक वही स्थिति हमारे पृथ्वी के इस आंतरिक भाग में घटित होती रहती है। अब जो प्लेटों की जोड़े हैं, खास तौर से जो अभिसारित प्लेटों की जोड़े हैं, वहाँ पर जो ये मैग्मा है, यह मैग्मा प्लेटों को कमज़ोर पाने की स्थिति में, जैसे प्लेटें जहाँ पर जोड़ा है, जैसे ये मार्कर है, ये दोनों को जोड़ा जाए और ये फूल इसको अगर तोड़ा जाए या फिर इसको जोड़ के तोड़ा जाए तो कितना कठिन, इसको तोड़ना, इस जोड़ को तोड़ने की सापेक्ष कठिन होगा, आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो यह हाई प्रेशर एनर्जी निकलने की जो संभावना है उन दो प्लेटों की जोड़ों पर ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि जो अपसारित जोड़ है, अपसारित प्लेटों का, वहाँ पर मैग्मा उद्गारित नहीं होगा, वहाँ पर भी होगा, और जो अभिसारित प्लेट की जोड़ है यहाँ पर भी होगा, लेकिन दोनों में अंतर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्मा जब निकलेगा तो यह हाई प्रेशर के रूप में नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर मैग्मा, क्योंकि ये प्लेटें विरोध प्रतिरोध उत्पन्न करेंगी और जिससे बहुत हाई प्रेशर ऊर्जा क्रिएट होगी, और ये जब उच्च दाब ऊर्जा बाहर निकलती है तो एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करती है, जिस और यही मैग्मा विस्फोट करते हुए जब प्लेटों को तोड़ते हुए बाहर निकलता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ज्वालामुखी विस्फोट। अब ये ज्वालामुखी विस्फोट क्यों हो रहा है, इसको रीजनेबल ढंग से आपने समझ लिया, इसका कारण भी आपने समझ लिया कि कौन सी ऐसी घटना है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित हो रही है और किसके कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये प्लेटें की जोड़ों पर ही ऐसी घटना घटित हो, क्योंकि जो ये संवहनी धाराएं हैं
ये संवहनी धाराएं प्लेटों के मध्य में भी लगातार टकराव उत्पन्न करती हैं और ये हाई जो इसका ऊष्मा है, इसका टेम्परेचर है, यह इसको प्रभावित करता है, पिघलाता है, कहीं न कहीं इस दबाव डालते डालते इसको कमज़ोर कर देगा। ये बात अलग है कि जो प्लेटों की जोड़े हैं उनको उनका जो टूटने का ड्यूरेशन होगा वो जल्द टूट जाएंगे, जबकि अगर किसी प्लेट को मध्य से तोड़ना होगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। ये दोनों में अंतर रहेगा। लेकिन अब ये रीज़न आपने समझ लिया कि ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी विस्फोट होता क्यों है, ये क्लियर हो गया। अब आप स्पष्ट समझ चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, उसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ज्वालामुखी घटित कैसे होता है या विस्फोट कैसे होता है और इसकी जो आकृतियां हैं ज्वालामुखी की, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रोसेस समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार होते होता कैसे है और इसका उत्पाद क्या क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या क्या होता है। तो प्रक्रिया आप समझ चुके हैं और आप जान रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में यह हाई प्रेशर में मैग्मा का निर्माण होता रहता है, ये मैग्मा बनता रहता है और यही मैग्मा जब प्लेटों को तोड़ते हुए विस्फोट करते हुए बाहर निकलता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं हम लोग? लावा। देखिए, जो मैग्मा की स्थिति है और जो लावा की स्थिति है दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? मैग्मा एक हाई प्रेशर की स्थिति में है, जबकि विस्फोट होने के बाद इसको खुला आसमान मिल गया। तो कहीं ना कहीं जो इसकी तरलता और इसकी तरलता है दोनों में बहुत डिफरेंट हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ये काफ़ी लचीलापन भी इसमें ज़्यादा होगा और ये लचीला कम होगा इसके सापेक्ष। जैसे आप भुट्टे का दाना देख रहे हैं, एक पॉपकॉर्न जो आप खाते हैं सिनेमा वगैरह में, हालांकि अब तो सिनेमा बंद ही चल रहा है, तो वो जब हांडी में रहता है तो उसका दाना देखने बहुत ठोस होता है, अगर आपको दे दिया जाए जो है तोड़ने के लिए दाल से बहुत कठिन होगा, लेकिन जैसे ही वो फूट जाता है वैसे कितना सॉफ्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये मैग्मा और लावा की भी स्थिति होती है। अब देखिए, ये प्रक्रिया घटित होने के बाद इसका जो विस्फोट है यह इस पर निर्भर करता है कि मैग्मा की तरलता की स्थिति कैसी है और यह किस प्रतिरूप में, किस स्वरूप में ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो उस पर निर्भर करता है कि इसका विस्फोट कैसा होगा। तो सबसे पहले समझ लें कि इसमें विस्फोट के बाद कौन कौन सा इसका उत्पाद होगा, प्रोडक्ट कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो लावा ही होगा, इसके बाद इसमें गैसों में, अगर गैस में देखा जाए तो सबसे भारी मात्रा में इसमें होता है जलवाष्प, जलवाष्प की मात्रा लगभग 90% होती है। यानी अगर 1 किलो गैस है, यानी 100 किलो या अगर गैस है तो 90 किलो वज़न किसका हो जाएगा? केवल जलवाष्प। फिर उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, नाइट्रोजन भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, मीथेन की स्थिति है, हाइड्रोजन है, सभी गैसें निकलते हैं। लेकिन उसमें सबसे भारी मात्रा में क्या होता है? जलवाष्प। तो ये आपसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दे देगा कि ज्वालामुखी विस्फोट में सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है।
क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही हम लोग समझते हैं। अब तीसरा उत्पाद इसमें व्यापक स्तर पर क्या होता है? राख होता है, और यह राख भी सामान्य राख तो है नहीं, तो लावा, जलवाष्प, राख, उसके बाद मैग्मा का ठोस भाग भी निकलता है। इसको हम लोग जो ऐसे छोटे आकृतियों को बम बोलते हैं, और इनसे छोटे आकृतियों को बोल्डर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये बम और बोल्डर छोटे छोटे ठोस ठोस आकृतियाँ जो काफ़ी दूर तक बिखरती हैं ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। तो ये जो उत्पाद है, अब देखिए ये जो राख है इसका तापमान इतना अधिक होता है, इतना हाई होता है कि अगर ये किसी बर्फ के गोले पर, बड़ा सा अगर बर्फ हो, मानिए कोई ग्लेशियर भी हो, और उसके विशेष स्थान पर अगर गिर जाए तो यह बर्फ पिघल जाएगी, और पिघला हुआ बर्फ एक कीचड़ के समान बह जाएगा, ये राख के साथ कीचड़ की तरह बहेगा, इतना हाई टेम्परेचर होता है। अगर ये राख किसी के घर के छत के ऊपर गिर जाए तो छत गिरना तय है, इतनी भारी मात्रा में होता है। तो कहीं ना कहीं ये हाई टेम्परेचर की एनर्जी हम लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों के जो शारीरिक संरचना है वह आप जानते हैं कि हाई टेम्परेचर एनर्जी में हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। गर्मी के महीने में एसी में रहना पड़ता है, कूलर में रहना, तो भाई जिसकी जैसी परिस्थितियाँ वैसे वो सर्वाइव करता है। तो क्या जब हम लोग एक गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे तो इतनी हाई टेम्परेचर एनर्जी जिसका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, 1500 से 2000, 2500, इतना हाई टेम्परेचर एनर्जी को हम लोग बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं होगा। क्लियर? अब ये जो ज्वालामुखी का उद्गार है दो रूपों में होता है, कितने रूपों में होता है? दो रूपों में होता है, और यानी स्वरूप ही इसका डिसाइड करते हैं कि ज्वालामुखी का विस्फोट कैसा होगा, लावा किस तरीके से उद्गारित होगा, कैसा उसका स्वरूप होगा, कैसा जमाव होगा, किस प्रकार की आकृतियां डेवलप्ड होंगी। अब देखिए इसको हम लोग समझेंगे किसमें, ज्वालामुखी के प्रकार। तो एक प्रकार है ज्वालामुखी के विस्फोट के आधार पर, और दूसरा इसको हम लोग समय के आधार पर निर्धारित करते हैं। कैसे कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? एक विस्फोट के आधार पर डिसाइड करते हैं, और दूसरा हम लोग इसको समय के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो जो विस्फोट की स्थिति है वह दो रूपों में घटित होती है, एक जिसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी, और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं दरार उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी। कैसा? एक केंद्रीय उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी और दूसरा दरार उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी। अब ये इस पर निर्भर करता है कि जिस स्थान पे मैग्मा का निर्माण हुआ उस स्थान के ऊपरी परत की प्लेटों की स्थिति कैसी है। स्वाभाविक सी बात है, अगर अभिसारित प्लेटों की जोड़ होगा, यानी अभिसारित प्लेट का अगर जोड़ होगा, तो यहाँ से प्लेटें जब तोड़ करके लावा उद्गारित होगा तो स्वाभाविक है कि नलिका स्वरूप धारण करते हुए यह उद्गार होने की इसकी प्रबल संभावना होगी। या फिर अगर प्लेट का मध्यवर्ती भाग है तब भी यहाँ पर हाई प्रेशर एनर्जी निकलेगी। इस प्रकार के विस्फोट को हम लोग, इस प्रकार के ज्वालामुखी को केंद्रीय उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी बोलते हैं। अब देखिए जो केंद्रीय उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी हैं ये अत्यधिक विस्फोटक होते हैं, इनका विस्फोट बहुत दूर तक सुनाई देता है,
इनके विस्फोट का जो उत्पाद है, मलबा है, चाहे राख है, धुआं है, जलवाष्प है, गैसें हैं, जो भी उत्पाद है, ये काफ़ी दूर तक जाता है, यानी दूर तक बिखरा होगा। और यह बिखरा इस पर भी निर्भर करता है कि इसकी तरलता कैसी है। तो केंद्रीय उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं, खतरनाक भी होते हैं। तो जैसे आपका हवाई द्वीप के क्षेत्र में जो पाया जाने वाला माउना की या माउना लुआ है, फिर उसके बाद जैसे किली मंजारो का क्षेत्र है आपका, इधर आप अगर देखें जो एंडीज पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है, राकीज पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है, फिर इंडोनेशिया का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में आपको इस तरह के ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। अभी ज्वालामुखी का क्षेत्र पर भी जिक्र करेंगे आपसे, तो उसमें देखेंगे कि ज्वालामुखी किन किन क्षेत्रों में, कहाँ कहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा इसकी घटनाएँ घटित होती हैं और कहाँ कहाँ पर घटनाएँ घटने की संभावना नहीं है, दोनों चीज़ें। अब देखो, दूसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी है, यह है दरार उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी? दरार उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी। तो दरार उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी ऐसे स्थानों पर आने की प्रबल संभावना है जहाँ पर क्या हो, अपसारित प्लेटें मौजूद हों। कैसी प्लेटें मौजूद हों? अपसारित प्लेटें। अगर अपसारित प्लेटें हैं, क्योंकि ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इनके जोड़ों पर इस मैग्मा को निकलने का स्वतः मार्ग मिल जाता है, इसलिए ये अत्यधिक विस्फोटक नहीं होंगे। लेकिन है तो हाई प्रेशर एनर्जी ना, हाई टेम्परेचर एनर्जी, तो वह भी कुछ न कुछ करेगा। जैसे अगर हम लोग मध्य अटलांटिक के क्षेत्र में चले, मध्य अटलांटिक जो महासागर है, अगर उस अटलांटिक महासागर में हम लोग चलें, तो वहाँ पर हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि महासागर के मध्य में एक लंबी सी कटक पाई जाती है, और यह कटक यही मैग्मा के उद्गार का, जो हमारा अटलांटिक महासागर का तल है, उसका उसके तल में ये लगातार मैग्मा का उद्गार होना, और उसके उद्गार होने से वहाँ पर इसका जमाव होना, जिससे निर्मित होता है समुद्री कटक। साक्षात जो दरार उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी हैं, उसका दूसरा जो है रूप हम लोगों को इसी क्षेत्र में अटलांटिक महासागर में ही आइसलैंड द्वीप पर देखने को मिलता है। किस द्वीप पर मिलता है? आइसलैंड द्वीप पर। आइसलैंड द्वीप जो से हम लोग ज्वालामुखी द्वीप के रूप में ही जानते हैं, अगर वहाँ पर चला जाए तो देखने को मिलेगा कि 200 से भी ज़्यादा छोटे छोटे ज्वालामुखी मिलते हैं। लेकिन ऐसे ज्वालामुखी नहीं जिसमें लावा निकलता हो, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी है, जो भूतापीय ऊर्जा है, यही ज्वालामुखी से ही निकलती है। यहाँ पर छोटे छोटे कुंड में यह ज्वालामुखी अत्यधिक तरल होने के कारण जल के वाष्प के रूप में, भारी मात्रा वाष्प में, या जल के गर्म जल के रूप में ही बाहर निकलता है, जैसे आप फब्बारे को देखे होंगे, ठीक उसी तरीके से यह ऊर्जा बाहर निकलती है। और इस ऊर्जा का प्रयोग आइसलैंड विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में करता है। किसमें कर लेता है वो? विद्युत ऊर्जा, यहीं पे टरबाइन लगा देता है। अब जैसे मान लीजिए फब्बारा कोई चल रहा हो, और उसमें अगर हम लोग छोटा सा का पंखे सेट कर दें उसके ऊपर, तो भी नाचना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरीके से टरबाइन को सेट करके आइसलैंड क्या कर लेता है, उसका विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लेता है, और उस ऊर्जा का प्रयोग वह अपने अन्य दिनचर्या में कर लेता है। जैसे हम और आप जो है किस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के संभव है हमारी आपकी क्लास हो पाना? संभव नहीं है। तो आधुनिक जितने संसाधन हैं, उस सभी संसाधनों का स्रोत विद्युत ऊर्जा है। तो ये दो, एक विस्फोट की प्रक्रिया, तो इसमें विस्फोट
कैसा होगा? नहीं होगा। जबकि ये ज्वालामुखी विस्फोटक होगा, जबकि यह विस्फोटक नहीं होगा। इस ज्वालामुखी में आपको दूसरा रूप यह देखने को मिलेगा, जैसे अगर हम लोग अलास्का के क्षेत्र में चले, इस प्रकार के ज्वालामुखी हम लोगों को अलास्का जो यूएसए का भाग है, अभी मैपिंग में उसको दिखाते हैं आपको, तो वहाँ पर अगर हम लोग चलें तो ये दरार उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी ढेर से दिखाई देंगे आपको। और इन ज्वालामुखियों से इतना धुआं जलवाष्प निकलता है, भारी मात्रा में जलवाष्प निकलता है, और इस जलवाष्प के भारी मात्रा में निकलने के कारण ही यह पूरा धुआं धुआं हम लोगों को दिखाई देता है। यही कारण है कि इसको हम लोग द्वारों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? द्वारों की घाटी के रूप में जानते हैं। किसे जानते हैं भाई? हम लोग इसको अलास्का के क्षेत्र को। किस प्रकार का ज्वालामुखी का क्षेत्र है? दरार उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी। अब जो दूसरा प्रकार का ज्वालामुखी है, जो ड्यूरेशन के टाइम ड्यूरेशन के आधार पर जिसमें हम लोग निर्धारित करते हैं, और इस प्रकार को अमूमन आप लोग पढ़ते भी हैं और जान भी रहे होंगे, कुछ लोगों ने स्टडी कर रखी होगी तो वो इसको जरूर पढ़ा होगा। देखिए इसमें क्या है, इसका डिवीज़न हम लोग समय के आधार पर तीन रूपों में करते हैं। कैसे? एक जागृत ज्वालामुखी, यानी जागृत ज्वालामुखी आपका, और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा जिसे हम लोग बोलते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी, ये तीन रूप में हम लोग इसे जानते हैं, उन्होंने पढ़ते हैं। अब ये तीनों का जो डिवीज़न है उसके इस बेसिस पे करते हैं, किसे कहेंगे जागृत, किसे सुसुप्त अवस्था में रखेंगे, किसे शांत अवस्था में रखेंगे। तो प्रारंभिक समय में ये अवधारणा हम लोगों की चल रही थी, और हम लोग इसे मृत भी कह देते थे, लेकिन मृत कहना ज्वालामुखी को उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 200 से 250 वर्षों में भी कोई न कोई ज्वालामुखी उद्गारित हो जाता है, कभी ऐसा देखने को मिला। तो इसलिए जो है इसको कहना कि शांत को डेड कहना ठीक नहीं, फिलहाल हम लोग अमूमन सामान्य शब्दों में, सामान्य परिभाषा में इसे कह देते हैं। अब जागृत ज्वालामुखी को देखा जाए तो ये कैसे होगा? तो जागृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जिसमें पूरे वर्ष राख, धुआं, जलवाष्प, लावा ये निकलता रहता, यानी ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ये उत्पाद पूरे वर्ष निकल रहा हो, तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम लोग बोलते हैं जागृत ज्वालामुखी, या फिर दूसरे शब्द में कहें ऐसे ज्वालामुखी जो पूरे वर्ष सक्रिय रहते हैं। कैसे रहते हैं? जो पूरे वर्ष सक्रिय रहते हैं, ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी को हम लोग जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे हम लोग देखें जब जागृत अवस्था में रहते हैं तो पूरी बॉडी हम लोगों की क्या होती है? एक्टिव रहती है, आंखें भी सक्रिय हैं, कान भी हमारा एकदम एक्टिव है, अलर्ट है, सुन रहा है, हाथ पैर भी चल रहे हैं कि नहीं। अब ऐसे हो गए तब क्या एक्टिविटी होगी? नहीं होती है। तो ऐसे ही ज्वालामुखी का जो उत्पाद है अगर वो बराबर निकल रहा है तो स्वाभाविक है ऐसी स्थितियाँ को हम लोग जागृत ज्वालामुखी। दूसरे सुषुप्त ज्वालामुखी, तो सुषुप्त ज्वालामुखी एक ऐसी स्थिति है जिसमें सोए हुए श्वान की तरह, यानी सोए हुए कुत्ते की तरह, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, अचानक भी जो है कभी भी ये सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे यानी ऐसे ज्वालामुखी जो कुछ समय के लिए, कुछ समय ये सक्रिय रहते हैं और ये कुछ समय निष्क्रिय रहते हैं,
तो ऐसे ज्वालामुखियों को हम लोग क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। अब जागृत ज्वालामुखियों में जैसे आपका जो हवाई द्वीप पर किलायु है, कौन सा ज्वालामुखी है? किलायु। इधर आपका स्ट्रॉम्बोली, जो भूमध्य सागर में स्ट्रॉम्बोली, ये दोनों ज्वालामुखी पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस इस रूप में जाने जागृत ज्वालामुखी, क्योंकि इनसे 12 मासी लावा राख प्रकाश निशा निकलता रहता है। और स्ट्रॉम्बोली तो पूरे वर्ष इतना सक्रिय रहता है कि प्रकाश ही प्रकाश रात्रि में यहाँ नजर आता है। यही कारण है कि इसे हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। यह लिपारी द्वीप इटली का, जो भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप है वहां पर मौजूद है। फिर तीसरा ज्वालामुखी जिसे हम लोग शांत ज्वालामुखी कहते हैं, तो ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें अब कोई विस्फोट की संभावना नहीं है। विस्फोट की संभावना, अगर जैसे कोई 100 वर्षों तक, 200 वर्षों तक, 150 वर्षों तक लगातार अगर इसमें विस्फोट या फिर उद्गार नहीं हो रहा है, या 50 वर्षों तक, 60 वर्षों तक, मिनिमम 50 ड्यूरेशन हम लोग लेके चलते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो वैज्ञानिक उसे शांत ज्वालामुखी घोषित कर देते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का किलिमंजारो, यह कैसा शिखर है? यह एक मृत ज्वालामुखी का शिखर है। इस शिखर की विशेषता यह एक शांत या मृत ज्वालामुखी। तो ये जो है टाइम ड्यूरेशन के आधार पे हम लोगों ने देखा कि इसकी स्थिति क्या है, कितने रूपों में ज्वालामुखी पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं जो ज्वालामुखी का क्षेत्र है उस पर थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए, उस पर मैपिंग कर लिया जाए, क्योंकि ये एटलस में ज्वालामुखी को देख लेना बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए एग्ज़ाम के बेसिस से, क्योंकि जिस विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं उस विषय में मैप का तो रोल ही है, क्योंकि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, जिस पे डिस्कस करते हैं वो देखना चाहिए, है ना? तो कैसे दिखेगा? अब व्हाइट बोर्ड पे मैप के माध्यम से हम लोग इसको देखने का काम कर लेते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं। तो आइए इसके क्षेत्र पर हम लोग चलते हैं, ये महाद्वीपीय क्षेत्र। अब देखिए जो ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है ये है हम लोगों का प्रशांत महासागर। कौन सा क्षेत्र है ये? प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र है हम लोगों का हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर का। अब इसमें देखा जाए पूरे वर्ल्ड मैप में कि कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं किस रूप में कितना घटित होती हैं, तो प्रशांत महासागर के अगर तटवर्ती क्षेत्र में चलें तो यहाँ पर हम लोगों को ज्वालामुखी घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्या कारण है उसका? उसका रीज़न ये है कि जो पृथ्वी पर 8 बड़ी प्लेटें हैं, उन 8 बड़ी प्लेटों में जो प्रशांत प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, यह बहुत भारी है। अगर ग्लोब पे आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर जो इतना विशाल महासागर है, और उस महासागर के तल में पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पैसिफिक प्लेट है इतनी भारी है कि भारी होने के कारण ही वह धंसी हुई है। दूसरा, जो इसके चारों तरफ जो मौजूद प्लेटें हैं, जैसे ये आपका यूरेशियन प्लेट है, इधर ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, यानी इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्र है, इधर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये क्षेत्र, ये इधर दक्षिणी अमेरिका का, तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, जितने भी प्लेटों का जोड़ है ये कहीं ना कहीं इस रूप में है, क्योंकि भारी प्लेट होने के कारण प्रशांत महासागर की प्लेट धंसी हुई है नीचे की ओर,
और ये प्लेटें हल्की सी उठी हुई हैं। यही कारण है कि प्रशांत महासागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है वह ज्वालामुखी अब जो मैग्मा है उसके लिए यह सबसे वीक जोन है, कमज़ोर क्षेत्र है, इसको तोड़ना आसान है। यही कारण है कि इस प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र को जिसे हम लोग प्रशांत मेखला या जिसे हम लोग परिप्रशांत पेटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, परिप्रशांत पेटी बोलते हैं, इस प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र इस पेटी के सहारे ज्वालामुखी की लगभग 70% घटनाएं घटित होती हैं। कितनी? 70% ज्वालामुखी, यानी 100 में से 60 से 70 ज्वालामुखी तो आपके केवल प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का का क्षेत्र, इधर ये पूरा राकीज पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र जिसमें कोस्टारिका निकारागुआ ये पूरा क्षेत्र, इधर आप देखेंगे जैसे इक्वाडोर पेरू, फिर इधर आप चिली का क्षेत्र इंडीज पर्वत श्रृंखला में पूरा, इधर जापान का क्षेत्र, फिलीपींस का क्षेत्र, इंडोनेशिया का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके न्यूजीलैंड का क्षेत्र। तो प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र में सक्रिय सुषुप्त हर तरह के ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि इसके चारों तरफ एक रिंग ऑफ फायर, आग के वलय का निर्माण होता है। यही कारण है कि प्रशांत महासागर की पेटी को हम लोग आग का वलय, क्या बोलते हैं, आग का वलय या रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, रिंग ऑफ फायर के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं ये भी आपने जाना, और ये भी आपने जाना कि क्या कारण है कि प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र में ही ज्वालामुखी घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं। फिर जो दूसरा क्षेत्र है वह है मध्य अटलांटिक पेटी। कौन सी पेटी है? मध्य अटलांटिक पेटी। तो मध्य अटलांटिक पेटी को अगर देखा जाए तो यह अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती क्षेत्र में एस आकार के, क्योंकि महासागर भी है और इसे एस आकार में यह पेटी भी मौजूद है। इस पेटी के सहारे आपको अटलांटिक महासागर के तल में एस आकार में कटक भी देखने को मिलेगा। कहाँ, किस महासागर में? अटलांटिक महासागर। ये ज्वालामुखी के उद्गार से, उसके मैग्मा के लावा के जमा से इस कटक का निर्माण हुआ है। अब देखिए इसी क्षेत्र में हमने यहाँ से जिक्र किया था कि जो आइसलैंड है यहाँ पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा छोटे छोटे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसी मध्य अटलांटिक महासागर की पेटी में आइसलैंड भी मौजूद। इसी पेटी का विस्तार भूमध्य सागरी पेटी या के क्षेत्र में, यही पेटी का विस्तार मध्य महाद्वीपीय पेटी के, जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी या मध्य महाद्वीपीय बेल्ट, इस बेल्ट के सहारे आपको भूमध्य महासागर में जैसे स्ट्रांबोली लिपारी द्वीप पर, माउंट एटना है आपका इटली में, ये सभी ज्वालामुखी आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अब इसी का विस्तार इधर ये पूरा इराक ईरान तक फैला हुआ है, लेकिन जो ये भारत के उत्तर में हिमालय का जो क्षेत्र है यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं घटित नहीं होती। फिर इसके बाद इंडोनेशिया के क्षेत्र में होती है। तो प्रश्न यहाँ पर आपके दिमाग में आ जाएगा लाजमी है कि क्या कारण है कि आखिर हिमालय के क्षेत्र में ज्वालामुखी घटनाएं घटित क्यों नहीं होती, ये भी तो रीजन हो सकता। तो उसका देखिए कारण ये है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के जोड़ों का मजबूत होना और साथ ही साथ इस जोड़ पर
विश्व के सबसे ऊंचे वलित पर्वत का निर्माण होना, जिसके कारण इस प्लेट के जोड़ को मैग्मा को तोड़ पाना, मैग्मा के लिए तोड़ पाना इतना आसान काम नहीं है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में ज्वालामुखी की घटनाएं घटित नहीं होती हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो प्रशांत बेल्ट है उसमें यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है यहाँ पर भी आपको ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती नहीं मिलती हैं। तो इन दोनों जगहों पर ये रीजनेबल ढंग से, इसका रीज़न यही है कि इन दोनों जगहों पर प्लेटों का मजबूत होना, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के जो बेल्ट है वो मजबूत है। तो प्रश्न ये भी तो आपको उठेगा कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है या फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है, जहाँ पर राकीज पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र और एंडीज पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं इतना ज़्यादा घटित क्यों, आखिर यहाँ क्यों नहीं? तो ये वीक जोन होने के कारण और ये मजबूत क्षेत्र होने के कारण, यही एक ठोस कारण है जिसके कारण से यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं घटित नहीं होती। तो ये हम लोगों ने देखा ज्वालामुखी का विस्तार, कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो अब अगर कोई प्रश्न ये कहे कि भारत में ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, तो आपने कभी न्यूज़ में नहीं देखा, कभी करंट अफेयर्स में नहीं सुना, आपने ज्वालामुखी को डिटेल में पढ़ लिया, भारत में कहीं आपको ज्वालामुखी देखने को मिला, मैप में नहीं दिख रहा ये भारत का क्षेत्र है, भारत में ज्वालामुखी घटनाएं घटित नहीं थी। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन लिख दिए कि भारत में भूकंपीय घटनाएं हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक घटित होती हैं, तो क्या ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं है। हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी घटनाएं घटित तो नहीं होती हैं, लेकिन भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। इस ज्वालामुखी के स्टेटमेंट के आधार पर ये कंक्लूजन निकालने की गलती कतई नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों ने ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है उसको समझा और जाना और देखा। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि जो ज्वालामुखी से बनने वाली जो विभिन्न आकृतियां हैं उनका रोल क्या है, वो कैसे निर्मित होती हैं, कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जो ज्वालामुखी की आकृतियां हैं उनको हम लोग दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक लावा के जमाव से पृथ्वी के ऊपरी भाग में निर्मित होने वाली आकृतियां और दूसरा मैग्मा के जमाव से पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनने वाली आकृतियां। इन दोनों को हम लोग देखते हैं। तो ज्वालामुखी की आकृतियों की अगर बात किया जाए इस पे, तो दो रूप में, एक वाह आकृतियां और दूसरा आंतरिक आकृतियां, आंतरिक आकृतियां या हम लोग कह सकते हैं अभ्यांतर आकृतियां, इन दोनों को देखते हैं। अब देखिये, जो ज्वालामुखी के लावा के जमाव से पृथ्वी के ऊपरी भाग में आकृतियां बनती हैं, सबसे पहले जैसे शंक्वाकार ज्वालामुखी, गुंबदाकार पर्वत का निर्माण, ज्वालामुखी लावा के जमाव से पठार का निर्माण, ज्वालामुखी लावा के जमाव से मैदान का निर्माण, ये सभी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर बनने वाली आकृतियां हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग में उसको देखेंगे, तो अब इसको पहले समझ लेते हैं कि किन किन कारणों से कैसे जो है ये आकृतियां बनती हैं।
तो सबसे पहले ये समझिए कि बाह्य आकृतियों के बनने के लिए जो निकलने वाला लावा है, इस लावा की तरलता और ज्वालामुखी उद्गार की स्थिति कि वह केंद्रीय उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी है, यानी वह एक ही नलिका से उसका निकला हुआ विस्फोट है, यानी केंद्रीय उद्भेदन प्रकार में एक ही पाइपलाइन से निकलने वाला उत्पाद है कि या फिर वह कई छिद्रों से निकलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर एक ही नलिका से निकला हुआ विस्फोटक ये लावा होगा तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर के साथ साथ ये बात भी निर्भर करती है कि इसकी तरलता कितनी है, तरलता ज़्यादा है कि तरलता कम है। अगर तरलता कम है, गाढ़ा है, अगर ये लावा गाढ़ा है तो लावा से पहले क्या कौन सा उत्पाद है, मैग्मा। अगर मैग्मा गाढ़ा है और यह मैग्मा सक्रिय मार्ग से जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लावा निकलेगा वो बहुत दूर तक नहीं जाएगा, विस्फोटक होगा लेकिन इसका बिखराव बहुत दूर तक नहीं होगा और जिसके कारण से ये काफ़ी दूर तक उठेगा और यह शंक्वाकार रूप में पर्वत का आकार ग्रहण कर लेता है, इससे शंक्वाकार आकृति का निर्माण होता है। अब देखिए जो ज्वालामुखी की नलिका यहाँ पर निर्मित हुई, इस ज्वालामुखी की नलिका के मुहाने पर निर्मित स्थान को, जैसे अगर ये सरफेस है, प्लेन एरिया है, यहाँ पर अचानक आंतरिक ऊर्जा ज्वालामुखी का मैग्मा तोड़ते हुए इसको निकलता है तो जो भाग जहाँ पर विस्फोट होगा ये पूरा स्थान उखड़ के लावा के साथ बह जाता है, जिसके कारण इस ऊपरी सरफेस का ये पूरा स्थान खाली हो जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी मुहाने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर। अगर यह मुहाना चौड़ा हो जाए, इससे ज़्यादा चौड़ा हो जाए तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केल्डोरा। क्या बोलते हैं, केल्डोरा। तो क्रेटर केल्डोरा बस ऐसा अंतर है कि जैसे कटोरी और कटोरा, बस इतना ही डिफरेंट है दोनों में। ये ज्वालामुखी के मुहाने को हम बोलते हैं। अब कभी कभार होता ये है कि जैसे जो सुसुप्त प्रकार के ज्वालामुखी हैं, आप जानते हैं कि एक बार सक्रिय हुआ, फिर कुछ देर के लिए शांत हो गया, फिर सक्रिय होगा, तो जो लावा का बार बार जमाव है, यह जमाव अलग अलग आकृतियों में हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए एक क्रेटर है, में क्रेटर के बाहरी किनारों पर लावा का जमा हुआ क्रेटर ही बना हुआ है। अब दोबारा अगर इसमें विस्फोट होता है तो हो सकता है कि अगर जो मैग्मा है वो बहुत अत्यधिक गाढ़ा है, तो यहाँ कभी कभार होता ये है, मान लीजिए कि जो क्रेटर का मध्यवर्ती केंद्रीय भाग है यहाँ पर एक शंक्वाकार आकृति का निर्माण हो जाता है। किस रूप में, लावा के अधिक सांद्रित होने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। क्रेटर के मध्य में भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब कभी कभार होता यह है कि ये जो क्रेटर है, क्रेटर अगर जल से भर जाए, मान लीजिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ और ज्वालामुखी शांत हो गया, वर्षा हुई और वर्षा का जल यहाँ पर आकर के जम गया, तो भाई वर्षा का जल अगर जम जाएगा तो स्वाभाविक ही कुछ संरचना नहीं विकसित हो गई और क्या बन जाएगा, झील का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार की झील को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, लोनार झील एक क्रेटर झील का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अब कभी कभार होता यह है कि जैसे तंजानिया के क्षेत्र में
जो कि दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है, वहाँ पर ये देखा गया कि इस क्रेटर में लावा भी उद्गारित होकर के लावा भी भर जाता है। कभी कभी जैसे लावा निकला, ये लावा जो है भरा हुआ, अबाग का लावा या तरल रूप जो है भरा हुआ है। तो लावा निर्मित झील का भी निर्माण, लेकिन ये वाटर में पानी नहीं होगा, जल नहीं होता है। तो विभिन्न तरह की आकृतियों का निर्माण होता रहता है। तो ये हमने देखा कि ज्वालामुखी के उद्गार से शंक्वाकार की आकृतियों का निर्माण होता कैसे है। ज्वालामुखी का जो क्रेटर खल्डोरा, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ये भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब दूसरा जो आकार है जिसे हम लोग बोलते हैं गुम्बदाकार, कौन सा का गुम्बदाकार, तो गुम्बदाकार आकार उसी पर निर्भर करता है। ये भी केंद्रीय उद्भेदन और इसके सक्रिय मार्ग पर भी निर्भर करता है। मार्ग मान लीजिए, जैसे यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और ये लावा या मैग्मा यहाँ पर जम गया, ये हो सकता है कि मार्ग बहुत मजबूत हो चुका हो, लेकिन दोबारा अगर मैग्मा एक्टिव हुआ तो इसके बगल में मार्ग डेवलप कर सकता है, फिर लावा निकल सकता है। तो इस प्रक्रिया से, और साथ ही साथ अगर इसकी तरलता शंक्वाकार जो मैग्मा था उससे कम है तो इसका फैलाव ज़्यादा होने की संभावना है। तो ये जब निकलेगा तो ये दूर तक फैलेगा, दोनों तरफ दूर तक जाएगा, और इस तरह के फैलाव से आपका धीरे धीरे एक गुम्बदाकार आकृति का निर्माण हो जाता है। जैसे आप मंदिरों या मस्जिदों के ऊपर गुम्बद जैसा आकार आपने देखा होगा, तो ठीक उसी प्रकार का आकार जो है आपका इससे निर्मित हो जाता है। और इस प्रकार की ज्वालामुखी को हम लोग बोलते हैं गुम्बदाकार, किस प्रकार का गुम्बदाकार आकृति। शंक्वाकार आकृति में जैसे कि आपका किलिमंजारो का क्षेत्र है, ठीक, माउंट लोवा है, ये सभी आकृतियाँ जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में मौजूद हैं, वो गुम्बदाकार आकृति में जैसे यूएसए के क्षेत्र में पाए जाने वाले ज्वालामुखी, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में या और अलास्का के क्षेत्र में पाए जाने वाले ज्वालामुखी, आपको यहाँ पर ऐसे ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। दूसरा तीसरा आकार जो पठार का है, अगर ज्वालामुखी का जो मैग्मा है, अगर यह मैग्मा अत्यधिक तरल है, इसके सापेक्ष अगर ज़्यादा तरल है तो स्वाभाविक है कि इसका विस्तार ज़्यादा दूर तक होगा। अगर ज़्यादा दूर तक होगा तो यह इस तरीके से जमेगा और धीरे धीरे एक उठी हुई भूमि का निर्माण होगा, और इस तरह से निर्मित आकृति से पठारों का निर्माण होता है। जैसे भारत का दक्कन का पठार, दक्कन का पठार इसका बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि वह बेसाल्ट लावा से निर्मित है, और बेसाल्ट लावा किस में निकलता है, ज्वालामुखी का उत्पाद है लावा। आप देखें महाराष्ट्र की जो काली भूमि है, बेसाल्ट लावा चट्टानों से निर्मित भूमि, वो भी इसका उदाहरण। तो ये अब आप कहेंगे कि दक्कन के पठार में कैसे हो गया। दरअसल भारत महाद्वीपीय विस्थापन की जो थ्योरी है वो कहते हैं कि भारत जिस स्थिति में है, जहाँ पर आज कर्क रेखा गुजर रही है भारत से, करोड़ों वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। एक समय था कि भारत से भी विषुवत रेखा गुजरा करती थी, लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के लगातार विस्थापन से, भारत के लगातार विस्थापन से, उस समय कहीं विशेष स्थान पर ऐसी ज्वालामुखी जो उद्गार हुए होंगे, घटनाएं घटित हुई जो भारत को छेद करके एक बेसाल्ट लावा चट्टान का जमाव कर दिया इस ज्वालामुखी के उद्गार से, और एक बड़े से पठार का निर्माण हुआ। भारत दक्कन का पठार पूरा कर्नाटक का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है, तेलंगाना का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, एक बड़ा सा क्षेत्र जो है पूरा दक्कन के पठारी भाग का जो है देखने को मिलता है।
तो यह पठार किससे निर्मित हुआ? इसी ज्वालामुखी के उद्गार से। तो यह लावा की तरलता पर निर्भर करता है, मैग्मा की तरलता पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए अगर मैग्मा अत्यधिक तरल हो, बहुत ज़्यादा तरल है, तो बहुत दूर तक फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, और इससे मैदान जो है ज्वालामुखी मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको काली मृदा देखने को मिलती है, और जबकि हम लोग कहते हैं कि बेसाल्ट लावा से, ज्वालामुखी लावा से निर्मित मृदा है काली मृदा आप देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि बाह्य आकृतियों का निर्माण कैसे कैसे होता है, उसका रीज़न क्या है, किस रूप में हमको ये देखने को मिलता है। अब हम लोग चलते हैं जो आंतरिक आकृतियां हैं ज्वालामुखी की, उसको समझने का काम कर लेते हैं। अगर हम लोग आंतरिक आकृतियों की बात करें तो आंतरिक आकृतियों में बहुत तरह की आकृतियां हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन आंतरिक आकृतियों में इसका निर्माण कैसे होता है? मैग्मा के जमाव के कारण। किसी भी ज्वालामुखी विस्फोट में पूरा मैग्मा निकल के बाहर आ जाएगा ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मैग्मा का जो शेष भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग में बचता है उसके जमाव से जिन आकृतियों का निर्माण होता है वो अलग अलग आकृतियों, वो अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे गुम्बदाकार आकृति में जमे हुए आकार को हम लोग बोलते हैं बाथोलिथ। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? बाथोलिथ। अगर इस रूप में कोई मैग्मा जमा हुआ है तो इसे हम लोग बोलते हैं फाकोलिथ। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? फाकोलिथ। अगर मान लीजिए इसी ज्वालामुखी के आंतरिक भाग में ही एक पतली सी खड़ी सी चट्टान आपको दिखाई दे लाए मैग्मा के जमाव से, तो इस प्रकार की निर्मित आकृति को हम लोग बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं इन्हें? डाइक। अगर सुई की नोक के समान कोई आकृति बन जाती है इसके मैग्मा के जमाव से, तब इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। अगर ये मैग्मा क्षैतिज रूप में जम जाता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो इस प्रकार से निर्मित मैग्मा को हम लोग बोलते हैं सिल। क्या बोलते हैं? सिल। अगर मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर उल्टे कटोरे की आकृति में जम जाए, किस आकृति में? उल्टे कटोरे की आकृति में जम जाए, तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोलिथ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोलिथ। और जब सीधे कटोरे की आकृति में जम जाता है तब इसे हम लोग बोलते हैं लोपोलिथ। लोपोलिथ। तो ये इस पर निर्भर करता है कि कौन सी आकृति कहाँ पर कैसी बनेगी, या इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ जिस स्थान पर ये घटना घटित हुई वहाँ की आंतरिक संरचना कैसी है। उस रूप में मैग्मा विस्तारित होता चला जाता है और इसके जमाव से अलग अलग आकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो हम लोगों ने एक क्रमबद्ध तरीके से ये समझा कि ज्वालामुखी है क्या, ज्वालामुखी के आने के कारण क्या क्या से हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो ज्वालामुखी के आने के लिए जिम्मेदार हैं, क्या कारण है। फिर दूसरा ज्वालामुखी के क्षेत्र को भी जाना, ज्वालामुखी के प्रकार को भी समझा, और ज्वालामुखी से निर्मित होने वाली जो विभिन्न आकृतियां हैं उनको भी समझने का काम किया। अब देखिए ज्वालामुखी जो टॉपिक है वह एक बड़ी प्राकृतिक आपदा भी है। अभी कोई भी प्राकृतिक घटना घटित हो और हर प्राकृतिक घटना को हम लोग कहते आपदा है, तो यह ठीक नहीं है। कोई भी घटना आपदा तभी आपदा का स्वरूप तभी धारण करती है जब हमको या मानवीय जनसंख्या को व्यापक स्तर पर जब वह प्रभावित करती है।
मान लीजिए किसी मानव वास्तविक ज्वालामुखी घटना अगर इंडीज पर्व श्रृंखला के क्षेत्र में घटित हुई और वहाँ पर कोई भी मानव बस्ती नहीं है तो यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए निकट में कोई शहर है और इस शहर के निकट अगर ज्वालामुखी घटना घटित हुई तो उससे भूकंप आ सकता है और उस भूकंप से अगर वो समुद्री तट है वहाँ पर सुनामी भी आ सकती है तो एक बड़ी प्राकृतिक जो है घटना घटित होगी और एक बड़ी आपदा का स्वरूप धारण कर सकती है। तो इस रूप में ज्वालामुखी को हम लोग प्राकृतिक आपदा की एक बड़ी घटना के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो मेंस के बेसिस से हमारे ये टॉपिक जो है उसके लिए भी बहुत महत्व रखता है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन को जानने के लिए भी हम लोग ये आपदा के रूप में ज्वालामुखी को हम लोग जानते हैं, उस रूप में भी हमारा ये विशेष महत्व रखता है। अब अन्य तथ्यों में जो हमको करंट अफेयर्स में चीज़ें कोलेक्ट करनी रहती हैं कि तत्काल में कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएँ घटित हो रही हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम लोग एटलस में जो है उसको कोरिलेट करते रहें, देखते रहें कि कौन कौन से क्षेत्र में ये ज्वालामुखी ज़्यादा ही सक्रिय हैं और कहाँ कहाँ पर विस्फोट हो रहा है, उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखते रहेंगे। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं तक रहेगी। जो अगला पार्ट होगा हम लोग अगले पार्ट में भूकंप और सुनामी के साथ आपसे मुलाकात फिर होगी। और मित्रों ध्यान रहे कि हमारी ये जो क्लासेस हैं कर्तव्य आईएएस एप्लीकेशन पर लाइव क्लास आपकी अब स्टार्ट हो चली हैं, एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, तो आप जो है जल्द से जल्द अपना एडमिशन भी सुनिश्चित करें क्योंकि अब ऑनलाइन पढ़ना है। एडमिशन आप जल्द से जल्द ले लें। एप्लीकेशन के थ्रू आपको सारी क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। आप इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो शेयर करना भी ना भूलें और मित्रों हमारे चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।